तो आज की जो वीडियो है ये पूरी एक्सेसरीज बेस्ड होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रॉयल इनफील्ड की क्लासिक में आप एक्सेसरीज लगवा सकते हैं और कितनी एक एक एक्सेसरीज की प्राइस होने वाली है। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो देखो आपको एक एक करके सारी एक्सेसरीज की जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको हम कलर वेरिएंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर खड़ा है डार्क ब्लैक कलर एडिशन, यहाँ पर खड़ा है हमारे सामने गन मेटल ग्रे, और यहाँ पर ये जो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पर होने वाला है ब्राउन कलर एडिशन, यानी कि इसका यार आर्मी कलर एडिशन, और ब्लू कलर एडिशन भी आज हमारे सामने खड़ा है। अब आइए हम इसके एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं कि एक्सेसरीज में आप क्या क्या लगवा सकते हैं। सबसे पहले तो बात होती है लेग गार्ड की एक्सेसरीज में, तो यहाँ पर देखो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो लेग गार्ड की कीमतें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3900 रुपये के, यहाँ पर आप जो है इसमें लेग गार्ड लगवा सकते हैं 3900 रुपये 3950 का। तो ये जो लेग गार्ड है ये पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है। यहाँ पर देखो पहले की जो डिज़ाइन थी वो अलग थी, लेकिन अभी लेग गार्ड की डिज़ाइन भी चेंज कर दी है। और साथ में यहाँ पर जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं इसकी अगर हम कीमत की बात कर लें, तो LED फॉग लाइट आपको 6400 रुपये की देखने के लिए मिल जाएगी, 6450 की LED लाइट्स होने वाली है। और साथ में जो खास चीज़ है वो देखो, जो इसकी वायरिंग है वो लेग गार्ड के अंदर से ही जाके होने वाली है। और साथ में एक बार आइए इसको हम चला के दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये जलती है। तो जब आप यहाँ से इसको गाड़ी को ऑन कर लेंगे, न्यूट्रल है गाड़ी, तो गाड़ी को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो गाड़ी को जब आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर देखो जो इसका प्लग है यहाँ पर, इसकी मदद से जो आप इसकी फॉग लाइट है वो आप जला सकते हैं। और फॉग लाइट को यहाँ पर देखो हम इसका फोकस दिखा देते हैं, गाड़ी का प्रॉपर जो फोकस है वो फॉग लाइट जलाने के बाद आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो फोकस है वो यहाँ पर निकल के सामने आता है। तो एक तो दूसरी एक्सेसरीज आपकी ये हो गई, और तीसरी जो एक्सेसरीज वो होने वाली यहाँ पर सम्प गार्ड। तो सम्प गार्ड जो है वो इंजन गार्ड भी बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ होने वाला है कुछ इस तरीके से सम्प गार्ड, जिसकी कीमत 3300 रुपये होने वाली है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला जो फुटरेस्ट है, ये आपको यार एक बड़ा फुटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, इसकी कीमत 2300 रुपये के करीब होने वाली है। और साथ में यार पावरफुल इंजन वगैरह के तो फीचर आपको पता ही होंगे, जिसमें आपको 27 NM का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर 22 BHP की पावर, और यहाँ पर देखो ब्लैक कलर है तो सारी ही चीज़ें ब्लैक में होने वाली है। एक और एक्सेसरीज होने वाली है इसकी टूरिंग की सीट, तो यहाँ पर देखो 6500 रुपये की आपको टूरिंग की सीट देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप टूरिंग सीट लगवा सकते हैं, तो जो सीट है वो और भी ज़्यादा आपकी आरामदायक हो जाएगी, कम्फर्टेबल कुशनिंग हो जाएगी, चाहे फ्रंट की सीट हो पिलियन की सीट हो, ये दोनों ही सीट आपकी यहाँ पर बदल जाएंगी और एक आरामदायक वाली सीट यहाँ पर लग जाएगी। देखिए इसकी कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है और गाड़ी के लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। वैसे तो 800 mm की सीट है, लेकिन 1-2 mm की बढ़ जाएगी जब आप ये वाली सीटें लगवा लेंगे। और एक और चीज़ होने वाली बैक रेस्ट, तो बैक रेस्ट की जो कीमत है वो होने वाली है साथ ही यार 2700 रुपये। यहाँ पर देखिए 2700 रुपये बैक रेस्ट की कीमत होने वाली है। यहाँ पर एक बार हम आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 2700 रुपये बैक रेस्ट की इसकी कीमत होने वाली है। तो बैक रेस्ट भी काफ़ी आपको मजबूत सा देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ में एकदम यार प्रीमियम बैक रेस्ट होने वाला है। और साथ में एक और चीज़ जो होने वाली है वो होने वाली है भैया इसकी फुटरेस्ट हो गया, बैक रेस्ट हो गया, LED लाइट हो गई, और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें लगभग हमने कवर कर दी हैं। और यहाँ पर ये साड़ी गार्ड वगैरह तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। और एक और जो चीज़ है वो होने वाली है इसकी टोटल, यानी कि टोटल जब आप करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको पड़ता है 25000 रुपये का, यानी कि टोटल जो खर्चा है इसका वो 25000 रुपये का हो जाएगा। जब आप ये सारी एक्सेसरीज लगवा लेंगे, ये सारी चीज़ें लगवा लेंगे, तो आपकी जो गाड़ी का लुक है वो कुछ इस तरीके से निकल के सामने आएगा। तो एक प्रीमियम लुक आपको क्लासिक का देखने पर लगेगा यार, साथियों एकदम भरी भरी गाड़ी लगेगी। साथ में आपने ये अलॉय व्हील वगैरह तो देखे ही होंगे, इसमें कुछ इस तरीके से अलॉय व्हील आने वाले हैं, जो ब्लैक में ही अलॉय व्हील होने वाले हैं, और बिल्ट की क्वालिटी तो खैर पूरी ही लोहे में होती है क्लासिक की, तो वो चीज़ है साथियों यार। और बाकी यार प्राइस की बात करें तो 25000 रुपये में आप ये सारी चीज़ें लगवा के अपनी गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। एक बार पीछे का लुक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जब आप इसका रियर का लुक देखेंगे तो रियर में देखो आपको बल्ब वाली हेडलाइट और LED टर्न ऑन इंडिकेटर, तो LED टर्न ऑन इंडिकेटर तो अपडेट किए ही हैं गाड़ी में। और साथ में एक बार आइए आपको हम कुछ और अपडेट्स दिखा देते हैं जो नई गाड़ी में होने वाला है। वो होने वाला है यहाँ पर USB चार्जिंग का सॉकेट, यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग का सॉकेट, पहले यहाँ पर आता था USB चार्जिंग का सॉकेट। देखो अब आपको एक बार दिखा देते हैं, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ देखो नीचे में आपको एक USB चार्जिंग के लिए सॉकेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा,
कुछ इस तरीके से फिटेड है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं, थोड़ा देख नहीं पाएंगे आप इसको, लेकिन ये हिडन में लगा है। साथ में यहाँ पर देखो आप टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसे ऑप्शन, और साथ में यहाँ पर आपको गूगल मैप वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगी। सिंगल हैंडल बार और कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर 12 लीटर का फ्यूल टैंक और देखने पर क्लासिकल लुक एकदम बढ़िया आपको लगेगा साथियों। तो ये थी सारी ही एक्सेसरीज जो हमने आज आपको दिखाई हैं। ऑफकोर्स सारी एक्सेसरीज हमने आपको कवर कर दी होंगी और बता दिया होगा सारी एक्सेसरीज के बारे में। तो यही जो नेसेसरी एक्सेसरीज हैं वो इसमें होती हैं, और भी सारी चीज़ें आप लगवा सकते हैं, जैसे और भी एक्स्ट्रा लाइट लगवा सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन यार ये जो एक्सेसरीज हैं ये इसकी जो मेन कुछ होती हैं मेन पार्ट वाली एक्सेसरी वो होने वाली हैं साथियों। और अभी देखिए इसकी LED लाइट्स वगैरह होने, यहाँ पर जो नए वाले वेरियंट में कुछ इस तरीके से आपको LED में लाइट देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेडलाइट है वो कुछ इस तरीके से हेडलाइट का सेटअप होने वाला है, तो देखने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। खैर आपको दोनों ही गाड़ियों का कंपेरिजन देखना हो पुरानी और नई गाड़ी में तो आप यहाँ पर आई बटन में जाके देख सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर, एक्सेसरीज़ को लेकर और इस वीडियो को लेकर मित्रों, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।